दिया जब से पब्लिक में आई इन्हें ऐश्वर्या से कंपेयर किया गया। The dainty pretty girl, but of course, ऐश्वर्या की किस्मत इन पर रब ऑफ नहीं हुई। Despite that, Diya has some qualities in her जो कि इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं, सिर्फ चेहरे से ही नहीं पर्सनैलिटी से भी। So let's find out some positive and then negative traits of the Saggy Diya. Sagittarians के positive traits में इनका optimism, इनका freedom loving nature और good sense of humor है। They are honest and intellectual and philosophical भी होते हैं Saggies। इन लोगों को दुनिया की सैर करना बहुत पसंद होता है। इनका blind optimism इनके लिए backfire कर सकता है। At times थोड़े irresponsible होते हैं और tact तो बिल्कुल ही नहीं होता Saggies में। Diya Mirza के so-called affairs की लिस्ट लंबी रही है, from Kunal Kapoor to Bunty Sachdev to even Sanjay Gupta। पर obviously क्योंकि Diya controversy से दूर-दूर रहती हैं, इसलिए इन अफवाहों का कोई proof जनता को मिलता नहीं है। तो life partner और बाकी life के बारे में क्या predictions रहे हैं इनकी जन्म पत्री में, ये बता रहे हैं numerologist भाविक सांगवी। फर्स्ट हाउस में है तुला लग्न के गुरु। इस लग्न में जन्म लेने वाले बहुत ही सुंदर होते हैं एंड दे कैन चार्म देयर वे इनटू योर हार्ट्स विद देयर टॉक। जीवन साथी लाइफ में थोड़ा देर से मिलता है पर सब्र का फल मीठा होगा। पर टाइम ज्यादा लगे तो फल खाने लायक भी तो नहीं रहता। अब और कितना समय लगाने वाली है ये लाइफ पार्टनर चूज करने में Diya जी। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि की सूर्य और बुध। पूरे परिवार में सबसे ज्यादा यही लोग कमाते हैं और अपनी इनकम का मेजर हिस्सा अपने घर वालों और भाई बहनों को दे देते हैं। ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और थोड़े से इगोइस्टिक भी। एंटीक आइटम्स का बिजनेस कर सकते हैं और अपने नाम से NGO भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कुछ नहीं मिला तो समाज सेवा, चलो कुछ तो भला होगा। फोर्थ हाउस में शुक्र और केतु मकर राशि। पेरेंट्स अच्छे मिलते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग काफी धार्मिक होते हैं एंड दे गेट अ लग्जूरियस हाउस कर्टेसी दीस प्लैनेट्स। सेवंथ हाउस में है चंद्र ऑफ मेष राशि। लाइफ पार्टनर की चॉइस पर पेरेंट्स को इनिशियल ऑब्जेक्शन हो सकता है। स्टाफ धोखाधड़ी कर सकता है एंड फॉर सच पीपल अर्निंग मनी इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाँ भाई, फिल्में नहीं चली तो क्या, रिबन कटिंग, टीवी अपीयरेंसेस एक्सेट्रा में तो बैंक बैलेंस का भला होता ही रहता है। 10th हाउस राहु ऑफ कर्क राशि। वाइसेस में उलझ सकते हैं, बेसर पैर की कंट्रोवर्सीज में पड़ सकते हैं, पैसे कमाने में कष्ट नहीं होगा और ना ही उसे खर्च करने में देर। हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर सकती हैं। एजुकेशन मे हैव इट्स ब्रेक्स पर कंप्लीट जरूर होती है। 12th हाउस मंगल और शनि ऑफ कन्या राशि। चोरी और एक्सीडेंट से होशियार रहना चाहिए, लाइफ में सफलता धीमी गति से आएगी। अब इतनी भी धीमी गति का क्या फायदा, चल कर आना चाहिए, यहाँ तो रिंग करा रही है, कब पहुंचेगी कुछ पता नहीं। Diya के फादर जर्मन थे और मदर बंगाली एंड शी हैज इनहेरिटेड गुड फैमिली वैल्यूज फ्रॉम देम। फैमिली से दूर तो रहती हैं पर ऑल ऑफ देम आर क्लोज टू हर हार्ट।